सरकार ने सरकार ने एमएसपी अनाउंस की है कई फसलों पे। सरकार कहती है हम नए कानून लेके आए हैं जो बहुत बढ़िया है किसान के लिए। सरकार कहती है ये किसान की जिंदगी का कायाकल्प कर देंगे। हम हमारे पंजाब की राइस और वीट के बाद जो बड़ी दो फसलें हैं कॉटन और मेज, नरमा और मक्की, हम आज लेके आए हैं जिनका मेरे पास सरकारी रिकॉर्ड है जो ये बता रहा है कि फसलों की एमएसपी अनाउंस कर दी 5500 से 5800 तक की, पर 4500 में किसान को मंडी सिस्टम के बाहर किसान को अब एमएसपी भी नहीं मिल रही। सो ये क्या कानून बनाया है इन्होंने? मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि मक्की की एक भी मक्की का दाना एमएसपी पे नहीं खरीदा गया है। 1850 रुपए मक्की का रेट इन्होंने फिक्स कर दिया, वो नहीं खरीद रहे। कॉटन की आज तक 2.5 लाख क्विंटल कॉटन पंजाब की मंडियों में आ गई है, पर केवल 40,000 सीसीआई ने खरीदी है। 2 लाख के ज्यादा प्राइवेट लोग एमएसपी के नीचे मंडी सिस्टम के बाहर, जिससे किसान को भी पैसा कम मिल रहा है, स्टेट भी अपनी रेवेन्यू लूज कर रही है। सो ये एमएसपी अनाउंस करने का फायदा क्या है? ये और कल जो हमारे पंजाब के किसान यहाँ पे आए थे, जिस तरह से उनको बेइज्जत किया गया, वो उन किसानों की बेइज्जती नहीं है, वो पंजाब के हर एक बाशिंदे की बेइज्जती हुई है। पंजाब के लोग बेइज्जत हुए हैं, उसका भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर जो बड़ी बात है आज कि ये तीन कानून जो ये बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया कानून हम लेके आए हैं, एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म किसान को दे दिया है मंडी सिस्टम के साथ साथ, मंडी से एमएसपी से ज्यादा उनको भाव मिलेगा। आज एमएसपी भी नहीं मिल रही है, 5800 के बजाय 4400 इनको एमएसपी दी जा रही है। सो ये लेके हम आए हैं कि ये बताएं हमें क्या ये यहाँ पे एसी के कमरे में बैठ के सारे कानून बनाए जा रहे हैं और किसान की बात कोई नहीं पूछ रहा है। पंजाब के किसान ने देश के लिए, जब देश को जरूरत थी तब पंजाब का किसान देश के लिए खड़ा हुआ। आज पंजाब के किसान को जरूरत है तो देश क्यों पीछे हट रहा है? उनसे हम ये सवाल पूछने आए हैं। परमिशन प्रोटेस्ट की क्या होती है जी? परमिशन तो ये कभी नहीं देंगे, ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक प्रोटेस्ट, एक धरना, एक मुजाहरा। अगर सरकार लोगों की या सरकार अपने सिटीजन्स की आवाज दबाने की कोशिश करेगी, ये नहीं होगा। हम प्रोटेस्ट करेंगे, पंजाब के किसान के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। आज हम कॉटन और मेज लेके आए हैं कि ये क्यों, सरकार की बात कुछ और है, यहाँ पे थ्योरी में बात कुछ और करते हैं, प्रैक्टिकली वहां पे बात कुछ और है। कानून जो बना रहे हैं वो बिल्कुल काले कानून है, ये दीज आर ड्राकोनियन लॉज विच आर अगेंस्ट द फार्मर्स ऑफ इंडिया एंड स्पेसिफिकली ऑफ द फार्मर ऑफ पंजाब। पंजाब का मंडी सिस्टम खत्म करने को हुए हैं। मैं हैरानी की बात यह है कि पंजाब का किसान रुल रहा है। आज मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं, मेरी फाइल दिखाओ यार, मैं सरकारी आंकड़े अगर आपको दिखाऊं आप हैरान रह जाओगे। What the government is mentioning, I have brought the record from the CCI. ये CCI का record है cotton की arrival का। तुसी आप देखो, ये खुद मान रहे हैं कि minimum rate पे जो cotton हमने आज तक बिक्री है मंडी में 4400, this is the document which says, I am not saying it, और जो MSP है वो है 5800, और इनकी आगे report ये कहती है कि इसमें, ये देखो मैं अखबारों की भी कटिंग पंजाब से लेके आया हूं, ये कहते हैं कि 24,000 कॉटन की बेल्स पंजाब की मंडियों में आई थी और केवल 270, दैट इज जस्ट ओवर 1% सीसीआई ने खरीदी है। दैट मींस 99% ऑफ द फार्मर इज बीइंग पेड बिलो द एमएसपी। तो आप नए कानून की क्या बात करते हो? आप तो कहते थे कि किसान को एमएसपी से ज्यादा मिलेगा, किसान को तो एमएसपी भी नहीं मिल रही। तो ये सरकार बिल्कुल किसान विरोधी जो फैसले हैं, ये सरकार का विरोध करेंगे हम आज। आज असी इथे कृषि भवन आए आ के जेड़ा नवा कानून लेके आए आ, ये कह रहे हैं कि असी एमएसपी जेड़ी है और जारी रखांगे। असी आज दो मेजर फसलां कणक अते झोने तो बाद मेजर फसलां ने कॉटन एंड मेज वो लेके आए आ, ओदे ते जो एमएसपी है ओदे तो
घटो घट छे छे सत सत सौ रुपया घट रेट से अज पंजाब च विक रही है। असी उस चीज में मंग करने आया, तुसी पंजाब दी जनता नू देश दी जनता नू जे MSA कानून लिया तुसी एक गल कही पे असी MSP दवांगे। आ दो फसलां तुहाडे सामने लैके आए हैं कॉटन और मेज मक्की ते कपाह कि इन्हां दे पंजाब दे विच कि सानू पूरा बिल मिल रहा कि किसान नू पूरा रेट मिल रहा। इत्थे बैठे कृषि भवन के अंदर कल साडे पंजाब दे किसान आए उन्होंने उन्हें बेइज्जत किया उन्होंने जलील करके वापस भेजा। ये जरा काम है ये ना तो पंजाब का किसान बर्दाश्त करेगा ना देश का किसान बर्दाश्त करेगा। ये विरुद्ध पंजाब के लोगों देश के लोगों MSP दवाने पंजाब के किसान जिन्नी भी लड़ाई लड़नी पेगी असी पूरी लड़ाई लड़ांगे।